शक्ति की भक्ति के महापर्व समापन के बाद मां अहिल्या की नगरी इंदौर में सम्मान समारोह और विशाल भंडारे का आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सुदामा नगर की डी सेक्टर में मिलन विकास समिति ने रजत जयंती मनाई और माता को 56 भोग लगाने के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया, जिसका बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने लाभ उठाया है। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में शारदीय नवरात्रि समापन होने के बाद अब माता की विदाई और महाप्रसादी का आयोजन शहर के अलग अलग क्षेत्र में किया जा रहा है। रविवार की शाम को सुदामा नगर डी सेक्टर में मिलन विकास समिति ने सम्मान समारोह के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया। संस्था पदाधिकारी पुरुषोत्तम सोलंकी के सानिध्य में सर्वप्रथम माता को 56 भोग लगाया गया, जिसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 25 साल से नवरात्रि और महाप्रसादी के सफल आयोजन के लिए संस्था पदाधिकारी पुरुषोत्तम सोलंकी सहित अन्य सदस्यों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया, जिसके बाद महाप्रसादी वितरित की गई, जिसका सुदामा नगर सहित आसपास से हजारों भक्तों ने लाभ उठाया। महाप्रसादी के पहले नवरात्र के 9 दिनों तक गरबा आराधना करने के साथ ही कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। संस्था पदाधिकारी पुरुषोत्तम सोलंकी ने बताया कि मिलन विकास समिति के तत्वाधान में पिछले 25 सालों से नवरात्रि और विजयादशमी के दूसरे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जाता है। वहीं इस भव्य आयोजन के साक्षी बने श्रद्धालुओं ने भी आयोजन की जमकर सराहना की। मैं मिलन विकास समिति में पिछले 25 साल से यहाँ पर हूँ और हम सुदामा नगर में जितने भी रहवासी हैं डी सेक्टर के, वो सब हम एक परिवार की तरह रहते हैं और ये पूरा परिवार का कार्यक्रम है। यहाँ हम किसी तरह का कोई दूसरा वो नहीं करते हैं और मातृ शक्ति के उसमें ये सारा कार्यक्रम करते हैं। और आखिरी में जो दशहरे का दूसरे दिन होता है, उस समय हमारा एक लिमिटेड भंडारा का प्रोग्राम होता है और इन सब का, यहाँ के रहवासियों का मुझे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काफ़ी सहयोग मिला, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। सम्मान भी किया गया? हाँ, मुझे सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए सुदामा नगर के जितने भी रहवासी हैं उनका आभारी हूँ। मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हुआ है और आने वाले फरवरी में मेरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार में नाम आने वाला, तो मैं इन सबका आभारी हूँ। पुरुषोत्तम सोलंकी, एक मिनट को बुला, ये मेरी मिसेज श्रीमती चंचल सोलंकी देखती है और घर बच्चों को गरबा सिखाने का काम इनका है। सभी मिलकर करते हैं और यहाँ जितने भी रहवासी हैं सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मोहल्ले वाले, ये सब परिवार के सदस्य हमारे, उसमें छोटा हो या बड़ा हो, ये सब परिवार के सदस्य। और ये सब मिलके जब करते हैं तभी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है और सक्सेस होता है और 25 साल निकाले जाते हैं, अदरवाइज ये 25 साल कार्यक्रम नहीं चलता। आज मुख्यमंत्री जी, माननीय महापौर जी आने वाले थे, लेकिन आज वो ब्रिज का उद्घाटन है कल, तो मुख्यमंत्री जी के साथ में उस कार्यक्रम के अंदर कलेक्टर के वहाँ पर वो व्यस्त हैं, इसलिए आज उनका फ़ोन आया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विगत 25 वर्षों से
माँ अम्बे के दरबार में, माँ राज राजेश्वरी के दरबार में ये गरबे का आयोजन हम करते आ रहे हैं। सामाजिक समरसता के साथ साथ धार्मिक जागरण का ये पर्व अपने आप में अनूठा यूँ भी है कि पारिवारिक वातावरण में ये सारे कार्यक्रम होते हैं। अबाल वृद्ध बच्चे मातृशक्ति इसमें सम्मिलित होती हैं और तन मन धन से सहयोग करती हैं। पिछले 24 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इसी के माध्यम से एक धार्मिक जागरण भी होता है, सामाजिक समरसता होती है, हम एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। यही वास्तविकता में हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। हाँ, मुझे भी सम्मान किया गया है। ये सब यहाँ के जो जागरूक और धार्मिक सनातनी हैं और रहवासी हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया है और हमारी टीम के एक दूसरे के सहयोग के कारण ही इतना बड़ा आयोजन जो होता है उसमें विशेष रूप से सबसे ज़्यादा हमारी भाभी श्री चंचल सोलंकी जी एवं श्री पुरुषोत्तम जी सोलंकी के अथक प्रयत्न और सहयोग से ये कार्यक्रम ये होता है सफल। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं दोनों को देऊंगा जो पति पत्नी के रूप में विगत 15 दिन लगातार 15 दिन पहले से सिखाते हैं और 15 दिन बाद में लगातार ये इन लोगों का कार्यक्रम करते हैं माता जी का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप से हमारा सहयोग आपस में सबका बना हुआ रहता है, इसीलिए हम एक तरफ से जुड़े हुए हैं सब इस मोहल्ले के लोग। मेरा नाम चंचल पवार है और मैं ये जो सुदामा नगर में माता जी का मंदिर है और हमारे जो पेंटर साहब जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, संस्था का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करूँ और मेरा सम्मान किया गया है, तो मैं सभी रहवासी संघ और जो संस्था है उनका सभी का धन्यवाद करती हूँ। दशहरे के दूसरे दिन होने वाले इस भव्य आयोजन में सुदामा नगर के डी सेक्टर के सभी रहवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आयोजन को सफल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट।